गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लर्निंग लाइफ लिविंग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, कल मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए वो धनतेरस वाला ब्लॉग थोड़ा छोटा है। तो आज मैं ट्राई करूँगी, आज मैं एक पार्टी में भी जाना है, हमारे फ्रेंड्स की पार्टी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं इंजॉय कर रही हूँ मखाना और चाय। मखाना की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं, इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करूं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, और ये हमारे ब्रेन, हार्ट, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को ये मैंने क्या किया है, एक स्पून घी में, छोटे से स्पून घी में इसको मैंने रोस्ट किया है। आप बच्चों को देंगे ये स्नैक्स की जगह, अगर ये देंगे ना, तो ये हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो यू मस्ट ट्राई दिस फॉर द किड्स। आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, मखाना इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। मिलते हैं अभी आपसे। और फ्रेंड्स, अभय जी और अभ्यास सोए हुए थे तो मेरी थोड़ी रीडिंग हैबिट है, मैं सुबह उठ के थोड़ा रीड करती हूँ, तो मैं अपनी चाय के साथ इंजॉय कर रही थी अपनी रीडिंग। और मैं बता दूँ मैं क्या पढ़ रही थी, मैं NCERT की फ़ाइन आर्ट्स की बुक है, एक 11th क्लास की है, मैं उसको पढ़ रही थी। मुझे ये थोड़ा हिस्टोरिकल, वैसे तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आने लग गया है। इसमें पेजेस आपको दिख रहे होंगे जिसमें मैं ये आर्किटेक्चर कैसा होता है एंशिएंट टाइम का, वो जो बिल्डिंग्स थी वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में कैसी थी, मैं वो सब पढ़ रही थी। इट इज़ क्वाइट इन्जॉयबल। आज मैंने ब्रेकफास्ट में गार्लिक ब्रेड और ये बनाई थी रबड़ी। इस रबड़ी को मैं गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से, मतलब काफ़ी अच्छी रबड़ी बनी थी ये, और इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, इसको रेडी किया और हम तीनों ने किया इसको इंजॉय। मुझे लगा कि थोड़े रबड़ी में ना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐड करती जा रही हूँ जितने मेरे पास थे, एंड में मैं वो सारे डाल दूँगी। और लिटरली इसके बाद जो टेस्ट आया वो काफ़ी यम्मी था, और थोड़ा सा सेटल होने के बाद ये जो रबड़ी थी ये काफ़ी ही अच्छी लग रही थी इस टाइप की। फ्रेंड्स, हम रेडी हैं पार्टी के लिए, मैं और अभ्यास जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो आप देखिए। इससे पहले मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो डाल चुकी हूँ, दिवाली की पार्टी के लिए कैसे मेकअप करें उसे आप ज़रूर देखिए। हेलो हेलो, अरे कहाँ गए? उठाओ उसको, ये आपके बिना कैसे सो रहा है? अभ्यास उठा रहा है अपने फ्रेंड अंश को, ऐसे नहीं उठाते हाथ पकड़ के, फेस से उठाते हैं, फेस पे करो गुदगुदी। नहीं, प्यार से उठाओ, लेके जाओ उसको। ये अंश की पार्टी देखो, आगे दोनों, ये आगे अभ्यास दादा। अभ्यास हाँ, तो ये बन रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बच्चों के लिए। इतनी सारी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं आपने, और आप क्या कर रहे हो मैम? पोटैटो मैश। किसके लिए? पानी पूरी। ये फ्रेंच फ्राइज के लिए और पनीर चिली के लिए। अरे और ये देखिए मैम, आलू मैश, और ये बन गया रायता, यम्मी यम्मी। ये कहाँ से लिए थे बॉक्सेस? अरे बताओ, ये 99 स्टार बाजार। अच्छा अच्छा, स्टार बाजार, वेरी गुड। ये हो रही थी जोरों शोरों से तैयारी, हो चुकी है किसकी? चिली पनीर और हक्का नूडल्स की। सोनाली मिलके बना रही हैं फ्रेंच फ्राइज। गरम गरम मैश करना, एक और एक
इसको थोड़ा सा ये है किसकी पानी पूरी गोलगप्पे पानी पूरी करते हैं। ये सोनाली तल रही है बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, बहुत तेजी के साथ फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। सेव पूरी, दही पूरी, पूरी को टोचा लगा के ये देखो रायता, ये इसमें आ गए आलू, अभी बहुत कुछ आएगा इसमें। क्या पी रहे हो तुम लोग? क्या पी रहा है अंश? क्या पी रहा है? माजा। माजा पी रहा है? हाँ, सो क्यूट। पानी मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे कैसे कोई व्यक्ति डाइट करे ऐसे में। रात में गोलगप्पा कभी सुना है? मैंने नहीं सुना। बिना प्याज का और फ्रेंड्स, ये मैंने काम में थोड़ा सा योगदान देते हुए इन जो दही पूड़ी होती है ना उस प्लेट को मैंने लगाया था। ये मैं लाल चटनी डाल रही हूँ और इसमें चाट मसाला लगा। टमाटर यहाँ से ले लो ना, टमाटो ये लो, उसमें मिर्च होगी। साथ में गोलगप्पे। नहीं 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 ले रहे। गाढ़ा वाला भाई, उसमें थोड़ी मिर्ची डालना। हाँ, ये भी अलग से दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। खाने वाले तीन ही हैं हम। वो अबा जी का विश्वास नहीं कि मेरे बेबी इतने मेहनत करके मेरे लिए लेके आए। बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब हजम नहीं होगा इतना प्यार। उन्हें पता है इसने कुछ नहीं बनाया। दो समोसे लाना, गर्मा गर्म समोसे लाना। समोसे के अंदर इमली का पानी, मिर्ची का पानी और चाट पापड़ी सब मिक्स करके क्रश करके उसको मैश करके फिर खाना। और तुम्हें क्या चाहिए? वेरी गुड, बारीक सेव से गार्निश। बहुत बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। हम खाएंगे अभी से सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। अभी कैपेसिटी नहीं रही तो अभी खा लेते हैं। चटोरे लोगों का डिस्कशन है। और अदिति मैम, विमान नगर इसको, हाँ, कैसे ये जो बचा हुआ आइटम है इसका क्या किया जाए, कैसे यूज करना है इसका? हाँ, क्या क्या प्लान है कल इसके साथ, क्या क्या करना है? सामान बचे हुए बनेंगी, पनीर चिली बनेगी और भेल बनेगी और आज नहीं बनेगी, समोसा चाट भी बना देंगे। समोसा चाट खाएंगे। मारो भैंस, नीचे मारो जमीन में। इनको इन्वॉल्व रखो। पट पट पट, ये देखो ये वाली वॉच आ गई है। बढ़िया है। ये लेफ्टी है का? एक एक डालना ठीक है। एक साथ मारने का क्या मतलब है? ये देखिए, कांटे हैं इसमें, कांटे ये आपने कभी इतने छोटे पौधे पे इतने बड़े बड़े अमरूद लगते हुए देखा? बस इसकी हाइट देखो इतनी सी। माय गॉड, जस्ट मिरेकल। और क्या है ये किसका पौधा है? नींबू। और ये खाने वाला पान, कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता, ये तो अनार। और ये देखा वो चीकू भी है वहाँ पे। नहीं चीकू, ये चीकू सब गमलों में उगा रखा है। बढ़िया है। ये करेला। हाँ, करेले भी, करेले है नहीं अभी। अरे लगे थे अभी बेबी है। मैम, इतने छोटे पेड़ पे इतने बड़े अमरूद।
ये भाई फ्रेंड्स अब देखिए आज की सबसे बेहतरीन डिश चिली पनीर ये दोनों सोनाली मिलके बना रहे हैं और इन्होंने बहुत ही यम यम सात्विक पनीर चिली सात्विक पनीर ना ये नहीं एक आधे पिला दे फिर मिक्सर ये थी बिरयानी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी अदरक क्या पूरा अदरक आज तो पूरे ग्लास पे खुद से चलती तो अंशु चिकू बग पिलो का पाई अच्छा उसी से टेस्ट आता है आमकी भांडी बघता ना मोठी मोठी ये सब काटने में तो टाइम लगता है सबसे बड़ा साइज मतलब ये है मेरा अच्छा मतलब वो बेड बर्तन यहाँ से ले लेना ना कढईत बसेल का मंचुरियन टाकतात ना चिली वो पनीर वो बनता है ना पनीर चाउमीन चाइनीज इसीलिए तो हेल्दी होते हैं वो लोग कच्ची सब्जियां खाते हैं और इसमें पानी आएगा और बाकी है यहाँ पे इट्स यम होते हुए नहीं है फुल फोकस है हो गया लो ना करो लो ये फाइनल रहता तो है कितना बनता है आपका कितना मतलब कितना मतलब क्या महीने में कितनी बार चिली पनीर महीने का नहीं है जब मूड पे डिपेंड मूड रहता है तब बना लेते इसके साथ नूडल्स बहुत टेस्टी लग रहे हैं अभी कम हो गया क्योंकि क्या और यहाँ पे बच्चे करके ये मैं दिखाती हूँ आपको एक प्लेट जिसमें खाना रख रहे थे हम लोग बहुत ही यम्मी बिरयानी यम्मी चिली पनीर एंड दिखने में भी टू मच यम्मी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इस बिरयानी में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी थी वेज बिरयानी थी ये और इसमें सब्ज़ी होने के कारण लो इसमें घी या फिर ऑयल था काफ़ी न्यूट्रिएंट थी और ये देखिए यम यम चिली पनीर ओह माय गॉड इट्स रियली डिलीशियस बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मतलब बहुत ओवरऑल इन लोगों ने सब कुछ इतना यम बनाया था ना बस पूछो मत कितना खाने में भी कितना लजीज लग लग फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबको किया बाय गले लगा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये लोग बहुत अच्छे हैं मतलब
मुझे एक नए शहर में बहुत ही अच्छे फ्रेंड मिल गए हैं और बहुत ही मज़ा आया मुझे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दीज टाइप ऑफ फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ मी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।